सबसे पहले ऐसे नोट लगाएंगे, ऐसे नोट लगा लेंगे। अब 1 2 3 थ्री चैन बनाएंगे, दो बार धागा घुमाएंगे और फर्स्ट वाली चैन में से ऐसे निकाल के चैन बना लेंगे। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 वैसे धागा घुमा के ऐसे निकालेंगे। ऐसे हम 8 बार धागा घुमा के निकालेंगे। ऐसे धागा घुमाते हुए हमें 8 बार निकालना है। अब इसको 3 भागों में बंद कर देंगे, ऐसे 3 भागों में इसको बंद कर लेंगे। अब लास्ट के हमारे 2 बच्चे हैं, इसको 1 कर लेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, इसको ऐसे घुमा लेंगे। जहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी वहाँ से हम फिर से धागा घुमाते हुए 8 बार निकाल लेंगे। ऐसे 8 बार निकाल लेंगे। अब इसको फिर से हम 3 भागों में बंद कर देंगे, ऐसे 3 भागों में बंद कर लेंगे। लास्ट के 2 को हम 1 करेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, घुमा लेंगे और फिर से हम 8 बार धागा घुमा के निकालेंगे। फिर हम 3 भागों में इसको बंद कर देंगे। ऐसे लास्ट में 2 का 1 करेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 फिर से घुमा लेंगे और ऐसे ही धागा घुमाते हुए 8 बार यहाँ से निकालेंगे। ऐसे घुमाते हुए हम 8 बार धागा निकालेंगे। ऐसे 8 बार निकाल देंगे। अब इसको फिर से 3 भागों में बंद कर देंगे। फिर से 3 चैन बना लेंगे, फिर से ऐसे घुमा लेंगे और ऐसे 8 बार धागा घुमाते हुए बनाएंगे। ऐसे 8 बार धागा घुमा के निकाल लेंगे। फिर से 3 भागों में बंद कर देंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, ऐसे बनाते हुए हम पूरी तोरण पट्टी बना लेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे और ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे और 8 बार ऐसे धागा घुमा के हम 8 बार निकालेंगे। ऐसे 8 बार धागा घुमाते हुए निकाल लेंगे। ऐसे 3 भागों में बंद कर लेंगे। लास्ट की 2 चैन को हम 1 में बंद कर लेंगे। ये देखिए हमने तोरण पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब धागे को कट कर देंगे।
धागे को ऐसे अंदर की साइड कर देंगे। ये देखिए हमारी तोलन पट्टी बन गई, तैयार हो गई है। अब इसमें हम सिंपल चैन से डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए ऐसे सिंपल चैन बना के ऐसे लगा के हम इसकी सिलाई कर लेंगे। पूरी तोरण पट्टी में हम ऐसे लगाते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे, ऐसे लगा के इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। ये देखिए हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है।